हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर वन चैनल द बार्बर शॉप BWP। आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही आसान सा हेयर कट आप लोगों के लिए, कहीं बहुत आसान तरीके के साथ। आज हम देंगे मेरे ब्यूटीफुल से मॉडल को लॉन्ग लेयर्स विद अ लॉन्ग हेयर लेंथ, ताकि कुछ खुवान को शौक हो, ताकि उनके बाल रहें भी लंबे और उनको कुछ लेयर्स मिल जाएँ। तो आज हम बहुत से आसान हेयर कट करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहेगा। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी हेयर लेंथ चाहिए उनकी। स्टार्ट करेंगे हम बैक से और हम इनकी लेंथ रखेंगे यहाँ तक, जहाँ पे बाल जो हैं वो ज़रा तिरछे एड़े हैं, तो इनको हम स्ट्रेट करेंगे यहाँ तक। सेंटर पोर्शन हमने ले लिया, अब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कहाँ तक किस हेयर लेंथ पे बालों को रखना है। ये थी हमारी डिसाइडेड लेंथ, तो हम यहाँ पर रख के और आई लेवल हम इसको कट कर देंगे। साथ से पोषण देंगे थोड़ा सा, एक साल हो गई। ये हमारी हेयर लेंथ, हमने पीछे से अपना जो था वो हेयर लेंथ उसको इक्वल कर लिया, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अब हम आएंगे फ्रंट पे। ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ से हमने इनको बैंग्स हमने देने हैं सामने से, पहले हम वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। हमने नोज तक लेके जाने हैं सिर्फ, तो हम इसको 45 नहीं कर रहे, हम इसको स्ट्रेट लेके आएंगे बिल्कुल सीधा, और इसको हम 45 पे एंगल पे काटेंगे। It's perfect. हम सेंटर में, चूंकि हमें इनके हेयर स्टाइल करना है,
तो हम इनका एक सेंटर पोर्शन लेंगे, सेंटर पोर्शन सारा ले लिया, बैंग्स इसको हम इसको हम 45 के एंगल पर काटेंगे, जहाँ पे हमारा जो हमने अर्ली लिया था उसका ये लॉन्गेस्ट पार्ट जहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा वहाँ पे हम उसको 45 के एंगल पे कट कर देंगे। अच्छा, तो अब हमने साइड वाला पोर्शन इनका पूरा ले लिया, पूरा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा साइज सेक्शन ले लिया, और इसको भी हम उसी सेम स्टाइल से इनके इस कॉर्नर तक लेके आएंगे, और 45 डिग्री एंगल, और विल कट इट फ्रॉम आर लॉन्गेस्ट पॉइंट। मेक श्योर हम ठीक करते हैं, इधर गए थे थोड़े से, और छोटे बाल हैं वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, हमने सारी साइड को उठा लिया और उसी को हम 45 के एंगल पे यहाँ पे ला के इस हाइट पे नेक्स्ट इट कॉम एट, और जहाँ पे हमारा ये लॉन्गेस्ट पॉइंट है वहाँ से हम काटना शुरू करेंगे। सेम इस साइड पे करेंगे, ये हमारा लॉन्गेस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसके हम 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे उठाएंगे, और राइट बिफोर हम इसको कट करते हैं। अब उसको पूरी कंप्लीट बैक साइड उठा रहे हैं, और इसको हम यहाँ बुला के इसको हम कट कर देंगे। हम रीचेक कर लेते हैं एक दफा,
As you can see, it's perfect now. As you can see, it's coming right here. Now we'll be working on the back side of the head. Twist comb. क्लिप कर देते हैं। तो बैक साइड से हम पूरा एक पोर्शन लेंगे। हम साइड से पोर्शन लेते हैं। We should comb it well, mix it together। कर लेते हैं एक साथ। Here are very rough, very patchy. She needs a ट्वीट मतलब बहुत ही रफ लग रहा है। एनीवेज इसमें तो कॉम्बो ट्वेल्व आपके हाथ में पूरे बाल आ जाएं सारे। हमारा लॉन्गेस्ट पॉइंट है यहाँ पे लाके हम इसको सीधा कट अब यही काम हम दूसरे साइड पे करेंगे। बना लेते हैं सेंटर से पोर्शन लेंगे। ये सारा पोर्शन एक साथ हम उठा लेंगे ऊपर। मेक श्योर टू कॉम इट वेल, रख रहे ये ठीक हो साइड से नॉर्मल। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। आई हैव टू टेक माई टाइम क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होंगे हमारे बाल ठीक नहीं कटेंगे। एनीवेज वी टेक आवर लॉन्गेस्ट पॉइंट, हियर इट इज, इसको हम स्ट्रेट करते हैं। ओके अब हम रीचेक कर लेते हैं। इट्स परफेक्ट।
Now take the vertical portion here. Okay. So apparently the simplest one haircut is completed. Our length is long. I'll show you. Give me a second. Length is almost long as the client required, and we gave her the required layers, long layers, starting from her this area. See, you can see the layers. Talk about back room. Bye bye.